यार जो शख्स नाबीना है उसे क्या पता कि ये फूलों की बहारें क्या होती जो पैदाशी नाबीना उसे क्या पता है कि आसमान पर बजम कवाकब के रंग क्या है उसे तितली के परों में कुदरत की सन्नाई का क्या अंदाजा हो सकता है उसे मोर के परों में रंगों की मीनाकारी का क्या अंदाजा हो सकता है उसे फूटते झरनों बहती नदियों और कोसे कज़ा की रंगीनी और धनक की शौखियों का लुत्फ कैसे नसीब हो सकता है उसको क्या पता हुस्न क्या होता है उसको क्या पता जमाल क्या होता है इसी तरह जिसके दिल की आँख अंधी है उसे क्या पता है कि जमाल खुदा क्या होता है उसे क्या पता है कि सजदे की लज्जत क्या होती है उसे क्या पता है रकू और क्याम का मज़ा क्या होता है उसे क्या पता है कि रोज़े का सरूर क्या होता है तो अगर हम अपने दिल के मैल उतारेंगे तो दिल की आंखें खुलेंगी तो फिर जिंदगी का लुत्फ आना शुरू होगा फिर पता चलेगा इस्लाम क्या है फिर पता चलेगा दीन क्या है अल्लाह अकबर इसीलिए कुरान का, मन काना फी आमा फोवा फिल आमा व सबीला जो दुनिया में अंधा रहा कल क्यामत के दिन भी नाबीना ना उठाया जाएगा उससे इन आंखों की बेनूरी मुराद नहीं है दिल की बेनूरी मुराद है इकबाल ने कहा था दिल बीना बिकर तलब खुदा से आंख का नूर दिल का नूर नहीं आंख का नूर और है दिल का नूर और है तो जिस तरह आंख बे नूर हो जाए आंख पर धुन जाला कुकरे और सफेद और काला मोती उतर आए तो हम सब कुछ बेच करके भी आंखों का नूर खरीदने की कोशिश करते हैं तो यार कभी उजड़े हुए दिल का भी तो इलाज करवाओ इलाज तुम्हारे घर में पड़ा है रातों की तन्हाइयों में उठ के कुरान पढ़ो और साथ रोया करो देखना दिल के महल उतरने शुरू हो जाएंगे और दिल के पर्दे से वो गलास्ते जब उतरेंगी तो फिर पता चलेगा कि दिल जमाले यार कैसे देखता है, है? विचे भेड़े विच्चे छेड़े विच्चई वंज महाड़े हो चौदह तबक दिले देर तम्बू वांगू ताणे हो फिर पता चलेगा ये दिल दुनिया क्या है फिर इसकी तड़प इसकी बेचैनी इसका इसतराब जिंदगी का हासिल बन जाएगा फिर जिंदगी की बेचैनी दिल की बेचैनी और दिल का महबूब की याद में तड़पना तुम्हें सरूर देगा फिर तुम एक एक उजब में दिल मांगोगे वो मजा दिया तड़प ने मेरी आरजू है यारम वो मजा दिया तड़प ने मेरी आरजू है यारम मेरे दोनों पहलुओं में दिले बेकरार होता फिर समझ आएगी कि ये दिल कितनी कीमती शह है अल्लाह ने बदन में आंखें भी दो रखी हैं कान भी दो रखे हैं हाथ और पाँव भी दो रखें लेकिन दिल एक ही रखा है और दिल अर्शुल्ला है अल्लाह का अर्श है फिर पता चलेगा तो आइए दिल से जंग उतारें मैल उतारें दिल मुसफ़ा हो दिल खूबसूरत बन जाए फिर दिल की कशकोल फैला के फिर अर्ज करें हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई अब तो आ जा अब तो खलवत हो गई लेकिन ये मैल कुचैल से हटा हुआ होगा तो गंदी जगहों पर महबूब तो नहीं आते तो हसद हकद कीने बुगज़ नफरतें ये हम पाले रखते हैं अपनी जिंदगी को हमने खुद बोझल बनाया हुआ है मियाँ हसद करने से महसूद का क्या होगा हम अपने आप को तलखी में मुबतला किए हुए हैं भुगर रखने से मबगूस का क्या होगा हम अपने आप को बोझ में मुबतला किए हुए तो अपने दिल से ये सारे बोझ उतार करके जब दिल को मुसफ़ा और मज्क् करेंगे तो फिर देखिए कि दिल के आईने में कैसे जमाल यार दिखाई देता है तो इस दिल की असलाह होगी कसरत के साथ कुरान मजीद की तिलावत करने से तो रातों की तन्हाइयों में उठ के कुरान पढ़ो देखना कि कैसे दिल के जंग उतरते हैं बाज लोग बड़ी अजीब खबर सुनाते हैं मियाँ तुम्हें कैसे पता वो कहता है मैं रात अचानक नींद नहीं आ रही थी तो एक चैनल खोला तो उसमें यह खबर चल रही थी तो मैंने कहा तुझे नींद नहीं आ रही थी तूने चैनल खोला काश तू कुरान खोल के बैठ जाता तुझे वो दिखाई देता कि तेरा अंदर तेरा बाहर रोशन हो जाता तो रातों की तनहियों में उठ के कुरान मजीद पढ़ने का मिजाज पैदा करें अपनी सुबह का आगाज़ कुरान मजीद की तलावत से करें अपने दिन को समेटें सोने की तैयारी करें सूदा मुल्क से अपने मामला को समेटें ये चंदन करके देख लें और अगर आपको मुआशी मसाइल हैं मुश्किल हैं तो सूधा वाक्य इसके लिए अक्सर है सिर्फ तीन रकू हैं इतनी अक्सीर कि जिसकी ज़िंदगी में शूदा वाक्य आ गई वो मुश्किलात में मुबतला नहीं होता अल्लाह उसके लिए विज के दरवाजे खोल देता